Today's topic, estimate and costing, chapter number 3, preparation of estimate, 3.32, third chapter ka, third point ka, second point, as earthwork quantity. Method of earthwork quantity is 4 category based on mean area method, mid-sectional method, prismoidal formula and trapezoidal formula. Now, अर्थवर्क क्वांटिटी फाइंड आउट कैसे किए जाती है, वो चार मेथड पे से. क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ एन अर्थवर्क बाय मीन एरिया मेथड. गिवन डेटा, फॉर्मेशन लेवल ऑफ अ स्टार्टिंग चेन इज 51.30 मीटर, फॉर्मेशन वेट ऑफ रोड इज 10 मीटर, डाउनवर्ड ग्रेडियंट ऑफ 1:200, साइड स्लोप 2:1 फॉर कटिंग एंड बैंकिंग और एम्बैकमेंट. कॉमन साइड स्लोप दिया है एम्बैकमेंट के लिए और कटिंग के लिए, और हम लोगों को चेनेज दिया हुआ है 120, 160, 200, 240, 280. उसके लिए हम लोगों के लिए ग्राउंड लेवल दिया है कितना है, 50.85, 160 के लिए 50.65, 200 के लिए 50.75, 240 के लिए 50.25, 280 के लिए 51.45. नाउ आंसर, पहले हम लोगों को टेबल बनाना है और टेबल्स में चेनेज, RL और GL इज़ द सेम थिंग, FL एंड डेप्थ. 120 चेनेज 120, 160, 200, 240, 280, फिर GL जो दिए हुए वो सब लिख देंगे. नाउ हाउ टू फाइंड आउट FL एंड हाउ टू फाइंड आउट डेप्थ. फॉर्मूला ऑफ FL क्या है, FL of next chainage is equal to FL of back chainage plus or minus 1 upon graded into chainage different. हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है फॉर्मेशन लेवल ऑफ स्टार्टिंग चेनेज इज 51.8. जो स्टार्टिंग चेनेज कहाँ पर से, 120 से, उसका हम लोगों को फर्स्ट पॉइंट का FL का दिया हुआ है 51.30. ओके, अभी द फॉर्मूला क्या है, FL of back chainage plus minus 1 upon gradient to chainage. अब यहाँ पे plus और minus क्या है, अगर upward gradient रहा तो positive लेंगे, downward gradient रहा तो minus लेंगे. अभी हम लोगों को question में given कौन सा दिया है, downward gradient of line 1:200. अभी हम लोगों के पास FL 120 का है तो FL 160 का निकालना है. तो FL of back chainage मतलब FL इसका 120 का लिखने का 51.30 माइनस ग्रेडियंट क्या है 1/200, डाउनवर्ड है इसलिए माइनस, इनटू 40, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 120 और 160 का डिफरेंस इज 40. आंसर कितना आ रहा है, 51.10 मीटर. वैसे FL 200 51.10 माइनस 1/200 इनटू 40, उसका आंसर 50.90 मीटर. FL 240 is equal to 50.90 minus 1/200 into 40 equals to 50.70 meter. FL 280 equal to 50.70 minus 120 into 1/200 into 40 is equal to 50.50. अभी formation of formula for depth क्या है, depth is equal to FL minus GL or RL. Depth 120 का कितना दिया हुआ है, FL 51.30 और RL कितना दिया है 50.80. तो उससे आंसर कैलकुलेट करेंगे तो 0.45 मीटर. वैसे ही बाकी लोगों का कैलकुलेट करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे 51.10 तो 0.45 ही आएगा. ऐसे बाकी लोगों का कैलकुलेट करने का. नाउ नेक्स्ट, इसमें अगर माइनस में साइन आया है तो टेबल के अंदर माइनस साइन शो करने की आगे उसका यूज्ड है. नाउ स्टेप नंबर 3, टू कैलकुलेट जीरो डेप्थ. हाउ टू कैलकुलेट जीरो डेप्थ, तो हमको हमारा ऐसा पॉइंट आ रहा है वहाँ जहाँ पर डेप्थ हम लोगों की ज़ीरो है. तो हम लोगों ने इधर कैलकुलेट किया 200 और 240 के बीच में आ रहा है. तो वैसे 200 पे डेप्थ कितनी है 0.15 और 240 पे -0.25. हम लोग ने फर्स्ट बेस लाइन बनाई 200 to 240, राइज कितना हो रहा है 0.15 200 पे और डिक्रीज कितना हो रहा है 0.55. तो हम लोग ने एक ट्रायंगल बनाया, उसकी हाइट लिए, तो इसकी हाइट 0.15 डिवाइडेड बाय, अभी हम लोग को एक्स की वैल्यू निकालना है. हमको पता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40 है,
तो ये डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमको निकालना है, तो वो एक्स है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स। तो ये कैल्सियम में कैलकुलेट करने के बाद एक्स की वैल्यू 8.57 मीटर आ रही है। नाउ स्टेप नंबर फोर्थ, स्लोप निकालना है। फॉर्मूला फॉर स्लोप इज इक्वल टू एच अपॉन वी। स्लोप फॉर कटिंग, पहला हमको हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल इज इक्वल टू 2/1, स्लोप ऑफ कटिंग इतना आ रहा है। तो स्लोप ऑफ एम्बैकमेंट भी सेम है, क्योंकि अभी हर जगह पे स्लोप्स अलग अलग देते हैं, वो हमेशा वर्टिकल में 1 रहना चाहिए। अर्थ वर्क क्वांटिटी टेबल, फॉर्मेशन वीट हमारे को क्वेश्चन में इधर गिवन है, जो कि 10 मीटर है। नाउ टेबल, टेबल बनाने के लिए हमको मीन एरिया मेथड से जाना है, चेनेज, डेप्थ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी इंटू डी, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी इंटू डी, सॉरी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एस इंटू डी, टोटल एरिया बी डी प्लस एस डी स्क्वायर, एवरेज एरिया फिर लेंथ फिर क्वान्टिटी फिलिंग और कटिंग, 120, 160, 200। हम लोग ने डेप्थ निकाले है, एक्स की वैल्यू निकाले है, वो कहाँ से, यहाँ पर हम लोगों का एक्स है, तो ये डिस्टेंस ऐड होगा, तो उस ये वो आया 280.57, फिर 240, फिर 280। हम लोग ने सबकी डेप्थ लिखी, 208.57 पे ज़ीरो होंगी, क्योंकि उधर कुछ ना फीलिंग करना पड़ा है ना कटिंग। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी इंटू डी, हमारे को बी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 × 0.45 is 4.5, 10 × 0.15 × 4.5, 10 × 1.5 × 1.5, 10 × 0 is 0, 10 × 0.55 it means 5.5, 10 × 0.9 is 9। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग ने स्लोप्स निकाला था, अलग अलग स्लोप, स्लोप ऑफ कटिंग, स्लोप ऑफ एम्बैकमेंट, तो 2 है, तो 2 इंटू डेप्थ का स्क्वायर उससे आया, 2 × 0.45 square 0.405, 2 × 0.45 square 4.905, 2 × 0.15 1.545, ये ज़ीरो रहेगा, 2 × 0.55 square 6.105, 2 × 0.9 तो 10.62। फिर एवरेज एरिया, इन दोनों का एवरेज नहीं रहेगा, इसलिए इधर सब जगह डैश डैश। अभी इन 4.095 + 4.095 / 2 आंसर, इसका आंसर लिख दिस 4.095 + 1.545 = 2, 3.225, 3.225 + 0 / 2 1.612, 1.612 + 6.105 = 3.858, 3.858 + 10.62 / 2 7.32। अभी इन दोनों की लेंथ, लेंथ कैसे निकलेंगी, हम लोगों के पास 120 × 60, इन दोनों का बीच का डिफरेंस 40, फिर 160 × 40, इन दोनों का डिफरेंस 40। अभी 208.57 - 200, उन लोगों दोनों का डेप्थ कितना आ रहा है, 8.57, फिर 240 - 208.57 उसका कितना आ रहा है, 31.43, फिर 240 उसमें 40। अभी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ फिलिंग और क्वांटिटी ऑफ एवरेज एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 4.905 × 40 196.2, 3.225 × 40 129.0, 1.612 × 8.57 13.8, प्लस जितने भी आंसर प्लस में और फीलिंग में जितने भी आंसर नेगेटिव में है वो कटिंग में जाएंगे। नाउ 3.858 × 31.43 121.2, 7.239 × 40 289.5। अभी टोटल, टोटल फीलिंग निकालनी है, टोटल कटिंग, ये तीनों का एडिशन 339, ये दोनों का एडिशन 401। अर्थ इन एम्बैकमेंट, अर्थवर्क इन एम्बैकमेंट इज इक्वल टू 339 मीटर क्यूब और 339 क्यूबिक मीटर, अर्थवर्क इन कटिंग 410.7 मीटर क्यूब और 410.7